सर्दियों में मेथी के पराठे और सोया मेथी की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है पर उसके लिए हमें मार्केट से लाना पड़ता है जो फ्रेश नहीं होती तो इस बार हम अपने किचन गार्डन में फ्रेश सोया मेथी को ग्रो करेंगे इसके लिए हमें चाहिए मेथी और सोया के सीड्स ये मेथी के सीड्स देखिए आप चाहें तो अपने किचन गार्डन के सीड्स भी ले सकते हैं पर इसे मैंने बीज भंडार से खरीदा है ये सिर्फ मैंने पाँच पाँच रुपये में इतनी क्वान्टिटी खरीद ली है कि ये काफ़ी ज़्यादा जगह में ग्रो कर सकते हैं हम इनको ये देखिए ये सोया के सीड है ये बहुत ही पतले से हैं इनको ग्रो करना बहुत ही इजी है इसके लिए मैंने एक ग्रो बैग तैयार कर लिया है ये देखिए ये थोड़े बड़े साइज का है पर ये ज्यादा ऊंचाई का ग्रो बैग नहीं है इसे मैंने मिट्टी और कंपोस्ट डाली है सिर्फ इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर लूंगी ताकि हम लोग आधे में सोया और आधे में मेथी ग्रो कर पाए अब हम लोग मेथी के सीड्स ले लेंगे और इन्हें थोड़ी डिस्टेंस पे स्प्रेड करेंगे अगर ये बहुत पास पास ग्रो हो जाएंगे तो पेड़ उतने हेल्दी नहीं रहेंगे पर अगर ये पास पास भी ग्रो हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इनके ग्रो होने के बाद हम इनकी देख लेंगे अगर ये बहुत घना है तो बीच बीच में से हम कुछ जो पेड़ हैं उनको जड़ से निकाल लेंगे और यूज़ कर लेंगे इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब हम लेंगे सोया को ये देखिए ये सोया के सीड्स हैं इसमें जो बड़े वाले हैं ये कुछ कुछ पालक के सीड्स आ गए हैं हम इनको निकाल देंगे निकालने के बाद जैसे हमने मेथी को स्प्रेड किया था वैसे ही हम सोया को भी स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा सा भले टाइम दे के करिए पर कोशिश कीजिए कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हम इनको स्प्रेड करें ताकि जब ये जर्मिनेट हो तो थोड़ी थोड़ी दूर पे रहें मेथी सब्जियों में बहुत फायदेमंद होती है और अगर हमें अपने किचन गार्डन से मिल जाए फ्रेश वेजिटेबल्स तो उनकी बात ही क्या है इस बार हम कोशिश करेंगे कि ढेर सारी पत्तेदार सब्जियों को अपने किचन गार्डन में उगाएं ये देखिए इस तरह से स्प्रेड करने के बाद सीड्स को हम इसके ऊपर आधे इंच की मिट्टी से इसको कवर कर देंगे ताकि जो मॉर्निंग में चिड़िया या फिर बाकी जो बर्ड्स होती हैं वो आकर इनके सीड्स को निकाल कर ले ना जाएं इसलिए इसको मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है इसके बाद मैं ग्रो करूँगी पालक और धनिया को जिसके लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इस तरीके से आप सॉफ़्ट मीडियम से आप इसको पानी दे दीजिए पानी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मिट्टी मॉइस्ट नहीं होगी तो ये सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे इसलिए इसको आप अच्छे से पानी दे दीजिए उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी और आप भी अपने गार्डन में नहीं जगह है तो एटलीस्ट टेरिस पे कुछ वेजीज जरूर ग्रो करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय